हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक, आपका दोस्त, आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल स्टोरी विथ मॉरल में। इस चैनल का उद्देश्य लोगों तक पॉजिटिविटी फैलाना है और मैं चाहूंगा कि आप इसमें मेरी मदद करें। आज की कहानी का टॉपिक है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड ये शब्द कुछ लोगों के लिए नया होगा और कुछ लोग इससे वाकिफ होंगे। अब टू सिंप्लीफाई द थिंग्स, ग्रैटिट्यूड का मतलब है बीइंग थैंकफुल। हमें हर उस बात का शुक्रिया करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए जो हमें इंसान बनाती है, जो हमें जीवित रखती है। कई बार हम सोचते हैं कि यार भगवान ने हमारे लिए क्या ही क्या है, बट ये मत भूलिए कि आज हम एक नया दिन देख रहे हैं और ये नया दिन देखने की ताकत उसी भगवान ने हमें दी है। हमें काफ़ी सारी चीज़ें भगवान ने दी है, जैसे कि सिर्फ एग्जाम्पल, मेरा एक दोस्त जिसके अंगूठे में तकलीफ हो गई थी, अब ये अंगूठा मूव नहीं कर पा रहा था। जब मैंने उसको पूछा कि इसका इलाज क्या है, तो वो बोले कि मेरे को इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तभी मैं इस अंगूठे को हिला सकूंगा और इसके ऊपर 2 लाख रुपए का खर्चा आएगा। तभी मैंने ये सोचा कि देखो, भगवान ने ऊपर से लेके नीचे तक हमारे हर एक बॉडी पार्ट को एक्टिव रखा है। उसने तो हमारे से कभी बिल नहीं लिया, कोई पैसा नहीं लिया। वी नीड टू बी थैंकफुल टू हिम। आज के दौर में जहाँ पे इतनी पैंडेमिक सिचुएशन है, इतनी महामारी फैली हुई है ड्यू टू कोरोना वायरस, कहीं ना कहीं काफ़ी सारे लोग हैं जो कोरोना की चपेट में आके अपनी जान गंवा चुके हैं। इस चीज़ की परवाह किए बिना काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हैं जो आपके लिए, मेरे लिए, अपने परिवार को छोड़ के अपने घर से दूर निकलते हैं, जैसे कि डॉक्टर, नर्स, स्वीपर्स, पुलिस कांस्टेबल और ऐसे अनगिनत लोग जो कहीं ना कहीं हमारी सेवा करने के लिए अपने घर परिवार को त्याग के, अपनी ज़रूरतों को त्याग के, अपने कंफर्ट जोन को त्याग के वो हमारी सेवा करने में लगे हुए हैं। टुडे इज अ डे दैट वी शुड बी थैंकफुल टू देम। आज की कहानी इसी सब्जेक्ट लाइन पे है। कोरोना के दौरान में आपने इटली की यह मशहूर कहानी तो सुनी ही होगी, अगर नहीं सुनी तो मैं आपको सुनाता हूँ। इटली में जब इस महामारी ने एक भयंकर विकराल रूप ले लिया, तभी वहाँ के एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी उम्र 72 इयर्स थी, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। डॉक्टरों की टीम ने पूरी जद्दोजहद लगाई, पूरी मेहनत की और उनको बचाने का प्रयत्न किया। इस प्रयत्न में उनको 5 दिन के लिए वेंटिलेटर में भी रखा गया और फाइनली डॉक्टरों की मेहनत रंग लाई, उन्होंने उस वृद्ध व्यक्ति को आखिरकार बचा ही लिया। जब ये वृद्ध व्यक्ति होश में आया और जब उसका डिस्चार्ज होने का समय आया, तब इस वृद्ध व्यक्ति के हाथ में एक बिल थमा दिया गया, हॉस्पिटल का बिल, जिसको देख के उस वृद्ध व्यक्ति की आंख में आंसू आ गए। और ये देख के कि वो वृद्ध व्यक्ति रो रहा है, उन्हीं डॉक्टरों की टीम में से एक डॉक्टर ने उसे अप्रोच किया और कहा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम इसमें डिस्काउंट करवा देंगे। तो वृद्ध व्यक्ति ने बड़ा अच्छा आंसर दिया, उसने कहा कि ये बिल देख के मैं नहीं रो रहा, मैं ये देख के नहीं रो रहा कि आपने 5 दिन मुझे वेंटिलेटर में रखा और उसके लिए मुझे 5,000 यूरो चार्ज किए, मैं तो इस बात को सोच के रो रहा हूँ कि बचपन से लेके 72 साल की उम्र में ना जाने भगवान ने मुझे गैलन्स ऑफ गैलन ऑक्सीजन दी और उसके लिए कभी कोई बिल चार्ज नहीं किया, और मैं आज तक उस भगवान का कभी शुक्रिया नहीं कर पाया। दोस्तों, इस वृद्ध व्यक्ति की जो फीलिंग है उसी को ग्रैटिट्यूड कहते हैं, बीइंग थैंकफुल। वी शुड बी थैंकफुल टू ईच एंड एवरीवन जिन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे जिंदगी में किसी भी प्रकार से कोई योगदान दिया है।
ये छोटी सी कहानी हमें इतनी बड़ी सीख देती है कि हमें हर उस चीज के लिए थैंकफुल रहना चाहिए जिस चीज को हम अभी तक नजरअंदाज करते हैं। हमें सुबह उठ के भगवान का शुक्रिया करना चाहिए कि उन्होंने हमें एक और दिन दिया। हम बोल सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू के चीजों को महसूस कर सकते हैं, ये सब करने की ताकत उसी भगवान ने हमें दी है। सो हमें हर एक व्यक्ति का और सबसे ऊपर उस ईस्ट का, उस देवता का शुक्रिया करना चाहिए कि हमें ये सब चीज करने का मौका मिला। और आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सबका शुक्रिया करना चाहूँगा, ना सिर्फ इसलिए कि आपने सब्सक्रिप्शन किया, ना सिर्फ इसलिए कि आपने इस पॉजिटिविटी को फैलाने में मेरी मदद की, बट इसलिए भी कि आपने ये डिसाइड किया कि आप अपनी जीवन के बेशकीमती समय में से कुछ समय इस वीडियो को देंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। I really, really thank to each one of you. और मैं चाहूँगा कि ये पॉजिटिविटी आप दूर दूर तक, जन जन तक, लोगों लोगों तक पहुँचाएं। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद।